तो उसका भी कोई डेफिशिएंसी नहीं था, वो भी वाइटालिटी और एनर्जी में काम कर रहा था. तो अब समझते हैं कि जिंसिंग और अश्वगंधा में क्या सिमिलैरिटी है या क्या डिफरेंस है. जिंसिंग जो है वो आपके मेटाबॉलिक स्ट्रेस को रिलीव करता है, आपके गट से आपको एनर्जी ज्यादा देता है. दैट इज द रोल ऑफ जिंसिंग. वेयर एज अश्वगंधा क्या करता है, नर्व्स को काम करता है, पहले आपको डी स्ट्रेस करता है. जिंसिंग किन लोगों के लिए जरूरी है, एथलेटिक जिनको एक इमीडिएट बूस्ट चाहिए, गट से उनको एनर्जी चाहिए, ज्यादा एनर्जी प्रोडक्शन चाहिए. अश्वगंधा किन लोगों के लिए काम करता है, जिनको जो स्ट्रेस है, जिनको नर्व्स को काम करने की जरूरत है. राइट तो जब नर्व्स काम होगी तो एनर्जी अपने आप ज्यादा एब्जॉर्ब होगी, आपकी वाइटलिटी इंक्रीज होगी. तो अगर आपने रात को अश्वगंधा खा के सोए हो, नींद अच्छी आई है, सुबह जब उठ के जिंसिंग खाएंगे तो आपकी एनर्जी कहां होगी, ये सोचिए. तो क्या ये कॉम्पीटिंग है या कॉम्प्लीमेंट्री है? राइट तो अब बात करते हैं भ्रमी. अगेन भ्रमी मेरे हिसाब से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेंटल एजिलिटी में प्रोडक्ट है, जो हमने आज तक कोई प्रोडक्ट पिच नहीं किया है इस एरिया के अंदर. कुछ लोग यस कहेंगे कि हमने ओमेगा को भी ब्रेन हेल्थ के लिए प्रमोट किया है, DHA, EPA. अगेन ओमेगा क्या है, फैटी एसिड. फैटी एसिड इज अ न्यूट्रिएंट, राइट, इट इज एसेंशियल. ब्रह्मी इज अ हर्ब विच विल एनहांस द फिजियोलॉजिकल, द फिजिकल बेनिफिट वी आर लुकिंग. तो फिर आप इसमें आपके कॉन्सेंट्रेशन अलर्टनेस को एनहांस कर रहे हो बाय हैविंग ब्रह्मी. बट मेरे हिसाब से बहुत क्लियर स्पेस है, मेंटल एजिलिटी बहुत बड़ी मार्केट है, आप इजीली, देयर इज अ बिग अपॉर्चुनिटी और आप इसको यूज कर सकते हैं. अब आती है बात इम्यूनिटी. नेचुरल सी